बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शमा कुकिंग चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कैबेज और कैप्सिकम से बनी कुरकुरी मज़ेदार पकौड़ी, जो कि बारिश के मौसम में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगती है। फैमिली के साथ खाएं बहुत ही अच्छा लगता है। चलिए बनाना फटाफट शुरू करते हैं बिना वक्त को ज़ाया किए हुए। यहाँ मैंने ले लिया है कैबेज, यानी पत्ता गोभी मैंने ले लिया है। इसे मैंने चॉप कर लिया है। चॉप करने के बाद यहाँ हम इसमें ऐड करेंगे कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च। इसे भी मैंने अच्छे तरीके से चॉप कर लिया है। डाल देंगे। ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है। एक बार आप ज़रूर ट्राई करें और इसे बनाएं। यहाँ मैंने हरा धनिया भी डाल देना है और यहाँ मैंने लिया है ग्रीन चिल्ली। आपको जिस हिसाब से तीखा पसंद है अपने मुताबिक चिली को डाल सकते हैं। और सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। और यहाँ हम मिक्स करने के बाद इसमें हम अब मटेरियल को शामिल करेंगे, यानी कि मैंने इस यहाँ लिया है 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर। जिस हिसाब से तीखा करना है अपने मुताबिक आप डाल सकते हैं। मेरे घर में थोड़ा तीखा ज़्यादा खाया जाता है, तो इसलिए मैंने चिली को थोड़ा ज़्यादा डाला है। यहाँ मैंने ज़ीरा पाउडर डाल दिया है 1/2 टेबल स्पून, 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर डाल दिया है। यहाँ मैंने लिया है चाउमीन मसाला, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है। हम इसे चाइनीज़ में यूज़ करते हैं, तो हम इसमें डाल देंगे। कॉर्नफ्लावर मैंने लिया है 2 टेबल स्पून, फुल बड़े साइज़ वाले स्पून से मैंने डाला है। और यहाँ मैंने लिया है 2 टेबल स्पून बेसन, यानी मेजरिंग कप से मेजर करें तो ये 1 कप है। और यहाँ मैंने ज़ीरा लिया है 2 टेबल स्पून। कॉर्नफ्लावर इसमें ऑप्शनल है, तभी हमारा जो पकौड़ी है वो क्रिस्पी होएगा। तो आप कॉर्नफ्लावर को थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में भी डाल सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से अब हम मिक्स कर लेंगे। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है, एक बार आप ज़रूर बनाएं और फैमिली के साथ खाएं। इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है कि हम बता नहीं सकते, तो आप ज़रूर ट्राई करें। सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। यहाँ मैंने डाल देना है टेस्ट के मुताबिक सॉल्ट, टेस्ट के मुताबिक आप डालें। और यहाँ मैंने लिया है फूड कलर, कि इसमें थोड़ा सा कलर आए। डालने के बाद अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। हमें इसे ज़्यादा थिन नहीं करना है, हमें इतना इसका बैटर बनाना है कि अच्छी तरीके से हाथों में इसकी पकौड़ी से छोटे छोटे डो में बन जाए। अगर हमें आगे बेसन कम लगेगा तो हम आगे और बेसन को शामिल करेंगे। इसे देख सकते हैं हम, मैंने इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे मिक्स करा है और हमें कुछ थोड़ा थोड़ा बेसन कम लग रहा है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद फिर हम इसमें 1 से 2 टेबल स्पून मिनिमम इसमें हम डाल देंगे, ताकि अच्छे से इसका डो बने, छोटे छोटे बॉल्स बने। ये देख सकते हैं हमें बेसन कम लगा, तो मैंने यहाँ बेसन को ऐड कर दिया है 1 टेबल स्पून। और फिर से हम मिक्स करेंगे। बस एकदम अच्छी तरीके से हमारा बॉल्स बनना बन रहा है, तो बस ये रेडी है। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने कढ़ाई में ऑयल रखा था, ये अच्छी तरीके से प्रीहीट हो चुका है। और हम अब छोटे छोटे बॉल्स लेके इसमें हम ट्रांसफ़र करेंगे। मीडियम फ्लेम में आप इसे फ्राई करें, ताकि ये जले ना, अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और इसमें कुरकुरापन हो। बस एक साइड से हो जाए तो साइड्स को चेंज कर दें। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें बारिश के मौसम में। बस इसकी साइड्स को हम चेंज कर देंगे। यहाँ आप देख सकते हैं इसमें कलर आ चुका है, बहुत ही अच्छा कलर। बस ये फ्राई होकर के रेडी है, इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब आप इसे हरा धनिया की चटनी से या दही की चटनी से सर्व कर सकते हैं। यहाँ मैंने
हरी चटनी से भी और दही की चटनी से भी सर्व किया है, या सॉस भी आप ले सकते हैं। बस रेडी है हमारी पकौड़ी। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करें, इससे जो हमारी हर न्यू वीडियोस हैं आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। चलिए चलती हूँ, मिलूंगी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।